नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर घर और परिवार खुशी से नाचेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना अगले 3 दिनों के अंदर होने वाली है कि दोस्तों आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह महत्वपूर्ण घटना अगले 3 दिनों के अंदर होकर रहेगी। दोस्तों, जब आप इनके बारे में जानेंगे, जब आप इन्हें अपने आँखों से सच होते हुए देखेंगे, तो दोस्तों हम यह अच्छे दावे के साथ कहते हैं कि आप खुशी के आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर जो बड़ी घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है, दोस्तों आप इन्हें कभी भी भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साक्षात आप सभी को अपने आँखों से अपने सपने पूरे होते हुए आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं, कुछ ऐसे मौके आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं जिनसे आप सभी का उम्मीद का नया किरण जागेगी। जी हाँ दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवन काल में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हर क्षेत्रों में आप सभी को लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, जब तक व्यक्ति के जीवन काल में ईश्वर की कृपा ना हो, तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी जोर लगा ले, वह अपने जीवन काल में ऊँचाइयों को छू नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा ईश्वर सभी के ऊपर नज़र रखते हैं। जो भी भक्त अपने जीवन काल में मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, ईश्वर उनके ऊपर भी इतनी कृपा बरसाते हैं कि कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। जी दोस्तों, और ईश्वर की ही कृपा से हर व्यक्तियों को मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने अब दे दिया है संकेत। आप सभी की राशि में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साथ ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का ऐसा संकेत आप सभी के राशि पर पड़ने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला है। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होने वाला है, कुछ इस प्रकार की खुशखबरी आप सभी को आने वाले 5 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का मन बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएगा, घर और परिवार में खुशियों का माहौल भर जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर आपके ऊपर क्यों प्रसन्न हैं, क्यों दोस्तों आपने अच्छे कर्म किए हैं, कि दोस्तों आपने अपने कार्यों में मेहनत किए हैं, इसी के लिए ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आपके मेहनत के, आपके कर्मों का फल देने के लिए आपके ऊपर प्रसन्न हैं। जो दोस्तों, और ग्रहों की भी बहुत ही शुभ स्थिति बनाई हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों ग्रहों का पूरा पूरा आपको लाभ मिले, और आने वाले 5 दिनों के अंदर जो ब्रह्मांड के सभी देवी देवता हैं, इनका क्या संकेत आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर एक बात, हर एक पहलू पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ये दोस्तों आप सभी के जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण बारे में भी, महत्वपूर्ण कार्यों के भी बखान करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपायों के भी बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने इस जीवन काल में, इस कलयुग पर इन बातों का ध्यान रखता है, इन गलतियों को करने से बचता है, तो दोस्तों उनके जुनकाल में ईश्वर का आशीर्वाद सदैव ही रहता है, और उनके जुनकाल में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। और दोस्तों, कोई कष्ट आता भी है तो उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी से बस इतना कहना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही दिल थाम कर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को इस बात का दावा करते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी मुश्किलें चल रही है, दोस्तों उन सारे बाधाओं से, उन सारी समस्याओं से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगा, और ईश्वर का भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जो खुशखबरी आप सभी को मिल रही है, वे तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों ऐसे लाभ के मौके मिलेंगे जिनसे आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों,
तो आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम वीडियो को प्रारंभ करने से पहले। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक तरह से लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, समस्त ब्रह्मांड की देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जी हाँ दोस्तों, तो ज़रूर ही इन कार्यों को कीजिएगा। तो ये दोस्तों इसके उपरांत हम आप सभी को बताते हैं कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सभी देवी देवताओं का संकेत आखिर आपकी राशि पर क्यों है। सबसे पहले हम इन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो दैनिक दिनचर्या है दोस्तों सभी लोगों से सबसे अलग है। जी दोस्तों, आपके साथ रहने वाले लोग भी आपके जैसे रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप जैसे अपने जीवनकाल में मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप अपने जीवनकाल में संघर्ष कर रहे हैं और जो मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति यह बात नहीं जानता है। आप मन ही मन मेहनत करते हैं और मन ही मन आप कार्यों में संघर्ष करते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में कार्य करते दौरान बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिनमें आप सभी को कभी कभी आंसू तक निकल जाते हैं। उस दुख को देखकर आप कभी कभी रोने तक लगते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, आखिर कब हमारे जीवनकाल में खुशियों के दिन आएंगे, आखिर कब तक ये परेशानियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने तो अपने जीवनकाल में कभी बुरा नहीं किया है, जहाँ तक भी किया है, जितना भी किया है, हमने अच्छा ही किया है और हमेशा अच्छा करने का ही प्रयास करते हैं। हे ईश्वर, अब हमें इन सारी परेशानियों से सारी बाधाओं से मुक्ति दीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए प्रभु। दोस्तों इस प्रकार की तमाम अपने भावनाओं को आप ईश्वर के द्वारा प्रकट करते, ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं अपने भाव के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी का दिल हमेशा निश्चल रहता है, कभी किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचते, ना ही दोस्तों किसी को क्षति पहुंचाने के भी बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवनकाल में खूब मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार को खुशी देने के लिए आप दिन रात तक एक कर देते हैं, आपके परिवार पर कोई आँच ना आ पाए इसके लिए दोस्तों आप हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उनकी खुशी के लिए आपने बहुत कुछ त्याग भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके भी अंदर बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, बहुत सारे आपके अंदर तमन्नाएँ होती है, लेकिन दोस्तों जब परिवार की बात आती है, जब परिवार वालों को खुशी की बात आती है, तो दोस्तों आप अपनी खुशी का भी गला दबा देते हैं, अपने अरमानों का भी गला दबा देते हैं। दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियाँ आप सभी के जीवन काल में आती है, बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो कि दोस्तों आप सभी को परेशान करना चाहता है, हमेशा आप सभी के ऊपर बुरी निगाहें रखता है, कभी भी वो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहता है। और दोस्तों दुख आपको तब लगता है जब आप जिनके लिए अपने कार्यों को छोड़कर उनको मदद किए हैं और दोस्तों वही व्यक्ति आपको कभी भी मदद नहीं किए हैं और हमेशा बुरा ही सोचते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हालांकि दोस्तों आप कभी भी अपने मन में ऐसा ख्याल नहीं लाते हैं कि हम उनको क्षति पहुंचाएंगे, आप ईश्वर के प्रति इतना आशावादी हैं, ईश्वर के प्रति आपका इतना विश्वास दृढ़ है कि आप ईश्वर के ऊपर सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ईश्वर है हमारे साथ, ईश्वर हमारे सभी शत्रुओं को देखेंगे जो हमारे पीठ पीछे हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, उन सभी की खबर ईश्वर लेंगे। दोस्तों बहुत सारी ऐसी जो गुण है आप सभी के अंदर है, आपकी राशि के अंदर है, जो कि दोस्तों आप सभी की राशि को अन्य राशियों से अलग बनाती है। और दोस्तों यही कारण है कि आपके जीवनकाल में सफलताएँ भी आप और आपकी राशि के लोग अपने जीवनकाल में खूब सारे खुशियों को अर्जित करते हैं, खूब सारे इच्छाओं को पूरी करते हैं और जो भी तमन्नाएँ होती है वे सभी भी पूरे करते हैं आपकी राशि के लोग। हालांकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अभी के समय अंतराल में आप सभी के जीवनकाल में भले ही संकट चल रहा हो, भले ही समस्याएं चल रहा हो,
भले ही दोस्तों आपके जुनकाल में एक मुसीबत अभी ख़त्म नहीं होती है, तब तक दूसरी मुसीबत आपके जुनकाल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह मुसीबत का दौर हमेशा आप सभी के साथ नहीं रहेगा। आप सभी जो कार्य कर रहे हैं दोस्तों, वह कार्य कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपने अपने जुनकाल में अपने लालच को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बहकाने का भी कार्य करते हैं, गलत कार्यों पर ले जाने का भी कार्य करते हैं और आपको बोलते हैं कि इनमें ज़्यादा पैसे होंगे, इनमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसे लालच नहीं किए हैं जिनसे आपका कर्म आपका साथ छोड़ दे, जिनसे आप शिविर का ईश्वर आपके साथ छोड़ दे। दोस्तों ऐसे कार्य आप कभी भी अपने हृदय से नहीं करते हैं और दोस्तों यही सब कारण है कि ईश्वर आपको अपने शरण में हमेशा लेते हैं और यश में भी ईश्वर समस्त देवी देवता आप शिविर के साथ आए हैं और दोस्तों आपको जो खुशखबरी आने वाले समय में देने वाले हैं दोस्तों, उनका कोई जोड़ा नहीं होगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके सारे दुख के दिन धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। अब ईश्वर का चमत्कार आप सभी के जीवन काल में चल चुका है। दोस्तों बस आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों ये जो देवी देवता है ये आपसे हमेशा जिसे आप पर खुशियाँ बरसाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी कभी आपके ही गलती के कारण यह देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं और दोस्तों यश में आपके ऊपर यह देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। यूँ कहें तो दोस्तों आप सभी की राशि वालों का जीवन ही बदल देंगे। तो दोस्तों यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है और दोस्तों ये आपके कर्मों पर भी निर्धारित है। जे दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जुनकाल में ना ही कभी गलत किया है, ना ही कभी गलत करने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों यश में आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका आपके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और इन सभी बातों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों सबसे पहला सावधानी आपको हम बता रहे हैं कि दोस्तों जब भी आपके जीवन काल में सफलताएँ मिलती है, जब भी आपको कोई खुशी मिलती है, जब भी आप अपने जीवन काल में छोटी भी सफलताओं को अर्जित कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने अंदर कभी भी ऐसी भावना नहीं लाना है कि कोई व्यक्ति आपसे पीछे है या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति आपसे आगे नहीं है। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप हमेशा जिसे निश्चल स्वभाव के हैं वैसे ही आपको बने रहना है। जी दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जब भी आप सभी के जीवन काल में कुछ भी सफलताएँ मिलती है तो उन सभी का ढिंढोरा आपको कहीं भी नहीं पिटना है। खासकर दोस्तों आप जाने अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जितने भी लोग हैं उनके जन्मकाल में जो शत्रु हैं वे कोई गैर शत्रु नहीं हैं, वे आपके अपने ही शत्रु हैं जो कि आपके अपने बनकर आपको लूटने का कार्य करते हैं, जो कि हमेशा से ही आपको नीचे गिराने का कार्य करता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन सी सावधानी रखनी है कि जब भी आपको सफलताएँ की प्राप्ति होती है, जब भी आपको कोई भी खुशखबरियों की प्राप्ति होती है तो दोस्तों ऐसे में इन सभी बातों का ढिंढोरा आपको कहीं पर भी नहीं पिटना है। बस दोस्तों आपको अपने खुशखबरियों को अपने तक ही सीमित रखना है, अपने मुंह को बिल्कुल ही बंद करके रखना है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन बातों का ध्यान आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर बिल्कुल ही रखना होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जुनकाल में समस्त देवी देवताओं का कुछ संकेत मिलने वाले हैं। इनमें आपको इन्हें नजरअंदाज करने की गलती नहीं करना है। जी दोस्तों ये भी बातों का आपको ध्यान रखना सख्त जरूरी है। दोस्तों हम आपको कुछ संकेत बताते हैं, इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको मिलता है तो वश में आपको कौन से उपायों को भी करना चाहिए उनके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आता है तो ईश्वर उन्हें संकेत देते हैं। जी दोस्तों तो यश में भी आपको ईश्वर संकेत देंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आपके द्वार पर कोई भी जानवर आता है, कोई भी पशु या फिर पक्षी आता है,
दोस्तों, उन सभी पर आपको गौर करना है कि आखिर वह पशु, वह पक्षी, वह जानवर कौन से हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला जानवर, अगर आपके जीवन काल में कोई भी कुत्ता आते हैं, जी दोस्तों अगर कोई कुत्ता आते हैं तो दोस्तों आपको ये मानना है कि ईश्वर का ही आवाहन है, भगवान शनिदेव का भी आवाहन कुत्ता ही होता है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कोई भी कुत्ता आपके घर के पास आ जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उन्हें कुछ भोजन करा देना है। जी दोस्तों, जो चाहे वो खाते हैं। अगर आप कुत्ते को कहीं पर जाते समय देख लेते हैं, अगर आपके पास वो कुत्ता नहीं होता है, अगर आपको दिखाई देता है कहीं काम पर जा रहे हैं, किसी कार्य को लेकर आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको या कोई भी ये जानवर दिख जाए, कुत्ता दिख जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान शनिदेव का आपको स्मरण करना है, अपने आँख को बंद करना है और वश में भगवान शनिदेव का नाम लेना है, अपना नाम लेना है और अपने जो भी कार्य है उन सभी को बताना है, मन ही मन आपको इन सभी का उच्चारण करना है। जी दोस्तों, और 5 बार आपको ओम शन सिंचराय नमः इस मंत्र का आपको बस मन ही मन जाप करना है। और दोस्तों देखिएगा कि भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में कैसा चमत्कार करेंगे। जी दोस्तों, अगर दिख जाए तो ये कार्य आपको बिल्कुल ही करना है। और दोस्तों दूसरा जो चीज़ है, अगर कोई पशु आपके घर आते हैं, अगर कोई गाय आपके द्वार पर आ जाती हैं, तो दोस्तों उस गाय को भी आपको खिलाना है, तभी अपने द्वार से उन्हें भेजना है। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उन्हें अपने द्वार से यूं ही जाने दें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गाय को खिलाते तक नहीं है लेकिन उन्हें मार कर भी भगा देते हैं। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। आप जिसे कर्मों से निश्चल हैं वैसे ही ये कार्य आपको अपने ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड के सभी देव देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं तो कोई भी आपको संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो आपको बिल्कुल इन्हें मारकर नहीं भगाना है, बिल्कुल आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रणाम कर लेना है और धन की देवी माता लक्ष्मी का आह्वान करना है, उनको मन ही मन अपने दुखों को सुनाना है, अपने सारी समस्याओं को बताना है और उनसे आशीर्वाद आपको लेना है मन ही मन। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वह पशु आपके द्वार से चले जाएंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है और जो चमत्कार फिर आपके जीवन काल में होगा दोस्तों उनका कोई जोड़ा नहीं होने वाले हैं। और दोस्तों तीसरा, कोई पक्षी आपके द्वार पर आ जाती है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर रात के समय आपको आपके घर पर कोई भी उल्लू अपना पंख छोड़कर चले जाए तो दोस्तों आपको समझना है कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको शीघ्र ही समझना है। और अगर कोई कबूतर आपके छत के ऊपर या फिर आपके आंगन में अगर अपने जो पंख को छोड़ कर जाती है तो दोस्तों इनसे भी आपके ऊपर धन की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के ऊपर हो चुका है और जो भी देवियाँ हैं, जो ब्रह्मांड की देवियाँ हैं, उनका ही संकेत है ये कबूतर। तो दोस्तों आपको समझना है कि ब्रह्मांड की देवियों का आपके घर पर वास होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको संकेत दिख जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने छत के ऊपर पक्षियों के लिए खाने का व्यवस्था करना है, पानी रखना है, कुछ दाने रखना है और दोस्तों आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए आपको उनकी पूजा पाठ करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये संकेत दिखते हैं तो आपको इन्हें अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों चौथा जो आपको संकेत मिल सकता है वह किसी व्यक्ति के भी रूप में मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर अपने भक्त के जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन काल में वह साक्षात तो नहीं आते हैं लेकिन भेष बदलकर, रूप बदलकर उनके दुखों को हरने के लिए अवश्य आते हैं, उनके जीवन काल की समस्याओं को खत्म करने के लिए अवश्य आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसा भी संकेत आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा व्यक्ति आप सभी को मिलने वाले हैं और कैसे आपको पहचानना है। दोस्तों अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आपके आपके पास आता है या फिर आपके द्वार पर आता है या फिर कहीं जाते समय आप देखते हैं तो दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का ही आह्वान मानना है, भगवान शनिदेव का ही आपको रूप मानना है।
कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव अक्सर ऐसी परीक्षा अपने भक्तों के जीवन काल में लेते हैं कि कोई वृद्ध या फिर असहाय बनकर ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जब भी भगवान शनिदेव का प्रकोप किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति सफल नहीं रह पाता है, चाहे वह वृद्ध हो जाए चाहे वह असहाय हो जाए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुख उनके जीवन काल में हो जाते हैं, ये भगवान शनिदेव का ही प्रकोप होता है और इन्हीं के कारण व्यक्ति अपने कर्मों को भोग रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा व्यक्ति आपके जीवन काल में दिखते हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति से आपको आशीर्वाद लेना है। जितना तक आपको हो सकता है, अगर वह सहयोगी है तो आपको ज़रूरत के हिसाब से सहयोग भी करना है, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप दे सकते हैं उतना आपको देना है। अगर कोई आपके सामने कोई असहाय व्यक्ति आते हैं तो दोस्तों आपको अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दान पुण्य करना है, बस आपको ये करना है। इसके उपरांत दोस्तों अगर कोई साधु अगर कोई संत आपको दिख जाता है या फिर आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आता है तो दोस्तों साक्षात देवों के देव महादेव अक्सर अपने भक्तों की जीवन काल में संत साधु या फिर कोई बाबा बनकर ही आते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का ही ऐसा चमत्कार होता है कि वह अपने भक्त के जीवन काल में साक्षात भेष बदल कर जाते हैं। और दोस्तों आने वाले 5 दिनों का समय ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आप शिवे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो ये क्रिया आप शिवे के जीवन काल पर हो सकता है। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी कोई बाबा आपके द्वार पर आते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको उन्हें भोजन कराना है, फिर ही आपको उन्हें विदा करना है और अपने दुखों को उन्हें सुनाना है। साक्षात आपको अपने दुखों को उन्हें सुनाना है और उनके पांव छूकर आपको आशीर्वाद लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको उनके पांव को छूना ही है और आशीर्वाद लेना है और उन्हें कहना कि हे बाबा, आप हमारे दुखों को देखिए, हमारे जीवन काल में ये संकट हैं, हमारे जीवन काल में ये समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ सुनाना है और साक्षात महादेव का नाम लेकर मन ही मन उनसे आशीर्वाद लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर वह बाबा आपको आशीर्वाद देता है तो आप शिवी को बता दें कि आप शिवी का जीवन धन्य होने से कोई भी व्यक्ति दुनिया की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो रोक सकता है। जीवन काल आप शिवी का बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप शिवी को बता दें कि कुछ ऐसे ही और बहुत सारे संकेत हैं जिनमें से दोस्तों आपके सपने में अगर कोई सांप दिखाई देता है, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये भी इस श्रावण के महीने में महादेव का संकेत होता है। जी दोस्तों, अगर आपके सपने में कोई ऐसी महिला है जो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों ये भी शुभ संकेत है और इनसे आप सभी के जीवन काल में आपको ये जानना है कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। इसके उपरांत दोस्तों तीसरा जो उपाय है इस संदर्भ में वह यह है कि अगर आपके घर पर अगर आपके छत पर दोस्तों कोई बंदर आते हैं या फिर कहीं राह पर जा रहे हैं वहाँ पर आपको बंदर दिखाई देते हैं तो इनसे भगवान महाबली हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और वे आपके घर आने वाले हैं, वे आपके जीवन काल में कृपा बरसाने वाले हैं, ये संकेत मिलने वाले हैं। और दोस्तों जब भी आपको ऐसे संकेत मिलेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों ऐसे संकेत मिलते ही आपको अगला जो मंगलवार का दिन होगा दोस्तों उस दिन नहा धोकर गंगा जल से नवनिर्मित होकर आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम महाबली हनुमान जी का मंदिर जाना है। दोस्तों वहां पर आपको महाबली हनुमान जी के हनुमान जलिशा का पाठ आपको करना है 11 बार। जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, और उसके उपरांत महाबली हनुमान जी की पूजा करना है और पूजा में आपको लाल पुष्प अवश्य रखना है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब आपका पूजा सफल हो जाए तो दोस्तों हनुमान जी के पास ही आप जो भी फूल रखे हैं दोस्तों उस फूल को आपको अपने घर ले आना है, अपने कार्यस्थल पर रखना है, अपने जहाँ भी श्रीहान है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों इससे महाबली हनुमान जी का जो असीम आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन काल से दुख संकट और जो भी कष्ट है वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये संकेत आप सभी को कुछ मिलने वाले हैं और जो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ है तो दोस्तों इनके अनुसार आने वाली 5 दिनों के अंदर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। और दोस्तों इसके उपरांत अब उसी के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों सबसे पहला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है वह आपके कार्य क्षेत्र को लेकर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके कार्य क्षेत्र में बधाई आ रही थी। पिछले कई क्षेत्र से आप नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी समस्याएँ आपके जुनकाल में आ रही थी। लेकिन अब समय ऐसा होगा कि आप जो भी कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं उन कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और वह कार्य आपका संपन्न होगा। शुरुआत आप कर सकते हैं, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ग्रहों का और जो भी गोचर है उनका पूरा सहयोग आप सभी को मिलने वाले हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के जुनकाल में होने से, आपकी राशि पर होने से यश में आपके राशि पर धन योग बनने वाले हैं और राजयोग भी बनने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का जीवन सुमर जाएगा। आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों का समय धन से जुड़ी जो भी समस्याएँ थी आप सभी के जुनकाल में, दोस्तों वे समस्याएँ जड़ से समाप्त होने वाली है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको धन को लेकर बिल्कुल ही सचेत रहना है। बेवजह की जगहों पर धन को बिल्कुल ही खर्च नहीं करना है। इनसे आप सभी के जुनकाल में माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती है। दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि धन को लेकर आपको सचेत रहना है। जी दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वे आपके व्यापार के क्षेत्र को लेकर मिलने वाली है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार के क्षेत्र में पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, उनका व्यापार चल नहीं रहा है, उनका व्यापार बंद हो गया है। तो आप सभी को बता दें कि अब आपका व्यापार में फिर से गति आने वाली है और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है आप सभी के जीवनकाल में बड़ा बदलाव होगा, जिनसे दोस्तों आप सभी के कार्य अब दुगने गति से आगे बढ़ने वाले हैं। कार्यों में सफलताओं की आप सभी को प्राप्ति होने वाली है। आने वाले 5 दिनों का समय आप सभी के लिए ऐसा होगा मानो दोस्तों हर जगहों पर आप सभी की प्रशंसा होने वाली है। हर जगहों पर आप सभी को लाभ के साथ साथ कुछ ऐसी कामयाबी मिलने वाली है जिनसे दोस्तों आप एक नया इतिहास को बना पाएंगे। और दोस्तों इनके कारण समाज में आप सभी का एक अलग ही छवि होगा, आपका एक अलग ही मान सम्मान होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 5 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। दोस्तों जब ईश्वर का आशीर्वाद आपकी राशि पर हो तो दोस्तों वह समय बिल्कुल सोने से हीरे में बदल जाती है। कुछ ऐसी स्थिति आप सभी के जुनकाल में आने वाली है। अगले 5 दिनों का समय मानो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ईश्वर के द्वारा दी गई आपको एक ऐसी शक्ति है जिन्हें अगर आप उपयोग करेंगे तो दोस्तों आप खुद ही अपने जीवन को संवार सकते हैं। जी दोस्तों, कुछ ऐसे लाभ के मौके आप सभी को मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे बड़े शुभ समाचार आपको कई क्षेत्रों से मिलने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बदल जाएगा। बस दोस्तों आपको कोई भी लाभ के क्षेत्र को नहीं छोड़ना है, ना ही कोई शुभ समाचार को आपको ठुकराना है। दोस्तों चाहे वह शुभ समाचार छोटी हो या फिर बड़ी हो, दोस्तों ये आपके जिंदगी को ही संवार देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जी दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है जो आपको मिलने वाली है वे आपके घर के माहौल को लेकर मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों पिछले कई समय से आप सभी के घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश चल रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके घर में हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं आप सभी के जीवनकाल में आप सभी को हो रहा था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अवश्य आप सभी का घर का माहौल बिल्कुल ही सुदृढ़ होने वाला है, बिल्कुल ही आप सभी का घर का वातावरण खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों आने वाले 5 दिनों के अंदर घरों का जो स्थिति है और जो ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में है, दोस्तों बिल्कुल ही घर के जीवनकाल की जो भी समस्याएं हैं वे सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और जो भी घर का वातावरण है उनमें खुशहाली रहेगा। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल आप सभी के घर परिवार में रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जो भी मनमुटाव आप सभी के अपने में चल रहे थे वह मनमुटाव यश में खत्म होने वाले हैं और यश में घर के लोग आप सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपके कार्यों में सहयोग करने वाले हैं, आपकी बातों को मानने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपकी बहुत सारी चिंताएं खत्म होंगी, बहुत सारे मुश्किल कार्यों में आप सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों अगला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वे दोस्तों आपके स्वास्थ्य को क्षेत्र को लेकर मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से स्वास्थ्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम या फिर बहुत सारी बदन दर्द
घुटने में दर्द या फिर पेट की समस्याएं आप सभी के जन्मकाल में पिछले समय लगातार चल रही थी, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन दोस्तों समय के अनुसार जो बदलाव होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले 5 दिनों के अंदर आप सभी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ही सजग रहना है। दोस्तों कोई भी आपको स्वास्थ्य के प्रति विपरीत गति की ओर नहीं जाना है। अगर आपको पता है कि यह भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, तो दोस्तों अपने आपको जुबान पर कंट्रोल रखना है और उन्हें बिल्कुल ही नहीं सेवन करना है। जी दोस्तों, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो समय के साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन दौलत पैसा सब कुछ मिलने वाले हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा। इसमें पारिवारिक संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जी दोस्तों, जो लोग पिछले कश्मीर से पारिवारिक संबंध में बहुत ज़्यादा समस्याओं को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों को देख रहे थे, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप सभी का जो पारिवारिक संबंध है बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ का जो संबंध है वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यश में आपका लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपकी कही बातों पर बिल्कुल ही गौर करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों अगला जो खुशखबरी है वह सभी छात्रों के लिए है। सभी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं उन सभी के लिए है। आप सभी को बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी इसमें मिलने वाली है। अगर आपके बाहर जाने का सपना है या फिर बाहर जाने की आप पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो दोस्तों यशमी आपका वीजा बन सकता है। यशमी आपका यात्रा हो सकता है और यह यात्रा आपके लिए बिल्कुल ही शुभ रहेगा। आपका बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना यशमी सफल होने वाले हैं। घरों की बहुत ही अच्छी स्थिति है। यशमी पढ़ाई में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। परंतु आप सभी को बता दें कि आपको अपनी पढ़ाई पर अग्रचित रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल ही अपने पढ़ाई की ओर फोकस रखना है। दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बड़ी सफलताओं को लेकर आ रहा है, जिनसे आप सभी का जीवन में बिल्कुल ही कल्याणकारी स्थिति बनेगा, जिनसे घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में भी आपका एक अलग ही नाम होगा। बस आपको अपने कार्यों पर अपने पढ़ाई पर इसमें लगे रहना है। अगला जो खुशखबरी है वह जो भी लोग अपने गृहस्थ जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, उनके जीवन काल में इसमें परेशानियाँ खत्म होंगी। और आप सभी का गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ यशमी आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आने वाले 5 दिनों के अंदर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय करना है। वह यह है कि दोस्तों आपको ईश्वर की भक्ति में समय क्यों देना है। ईश्वर के प्रति जो भी आप आस्था रखते हैं उनको बिल्कुल ही बढ़ाना है। जी दोस्तों, किसी के भी बातों पर आपको नहीं करना है, किसी के भी बातों पर आकर आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। आंख मूंद कर आपको कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। साथ ही साथ यश में आपको किसी भी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में या फिर ऐसे आश्रम जहां पर असहयोग व्यक्ति रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है, वहां पर आप दान धर्म जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यश में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही बड़ा उपाय होगा। अपने घर परिवार का आपको सहयोग करना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद देना है, उनका सम्मान करना है। इनसे दोस्तों आप सभी का जो आने वाला 5 दिनों का समय होगा, ग्रहों की स्थिति में जो भी विपरीत ग्रह उत्पन्न होते हैं उनका नाश होगा और आपको अपने जीवनकाल में बिल्कुल ही सुखों की समृद्धि की सब कुछ प्राप्त होने वाले हैं और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवनकाल में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।